इनको हम वन बाय वन अंदर लेके जा रहे हैं। मम्मा ढोल की बात नहीं है, बता दे अब रखूं की तरह आए हैं तो इतने। रखने क्यों है, कोई जगह नहीं है मेरे घर में रखने के लिए। मेरे घर मेरे सिर तक रख दे सारा, तुम मंडी खोल गए इधर यार। गलती से हम आ गए हैं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज मी हिरा फैसल एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे से होंगे, आप अपनी सर्दियाँ अच्छे से इंजॉय कर रहे होंगे। आज फाइनली इतू सा सूरज निकला है तो भाई मैंने सोचा क्यों ना आज जल्दी उठ जाए क्योंकि सर्दियों में जितनी ठंड होती है ना इंसान उतना ही लेजी हो जाता है। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो के बारे में आपको झटपट से पता चल जाए। और अभी हम लोग नीचे जाते हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं, देखते हैं अम्मा किधर है, बाकी सब लोग क्या कर रहे हैं क्योंकि ठंड के मारे कोई भी नहीं उठा हुआ। लेकिन उनको गुड न्यूज़ देती हूँ कि भाई सूरज निकल आया है, सो लेट्स गो। मम्मी आ आ आ आ, आज से नया डायलॉग, मम्मी आ आ आ आ आ। आज मैं जल्दी उठ के आई हूँ, मम्मी मम्मी हीरा को दाना डाल दें। आज मैंने अपने सारे पेंडिंग काम कर लेने हैं सारे, यूहू, क्योंकि आज मैं जल्दी उठ गई। काम करो, क्या करूँ, ये सामान मैंने कहीं भिजवाना है। मम्मी पहले फिर सामान भिजवाती हूँ, ठीक है, चले डन। पहले हम नाश्ता करते हैं, फिर मम्मी ने आते साथ जो काम थमा दिया है वो करते हैं और फिर अपने पेंडिंग काम कंप्लीट करते हैं। ओके गाइस, तो मैं यहाँ पे ब्रेकफास्ट करने आई थी और कुछ बच्चे जो है वो स्कूल से मिन्ने स्कूल से बच्चे लौट रहे हैं तो मैं उनके दूरदर्शन मिन्ने बच्चे डर गए और कह रहे भाई अल्लाह नींद में हो क्यों, मैंने आपको कहा था ना ऐसे बोलूंगी, मैं चोई भी चाहिए हूँ चुबो से, मैंने वैसे क्यों बोलती हूँ, मैं चोई भी नहीं हूँ चुबो से। इतना भारी बैग को, इसका बैग उठा के देखे ना इतना वजनी के क्या है, बहुत भारी होता है, देखते हैं इसका बैग भारी है या नहीं। ओह माय गॉड, दो बुक्स है फिर भी भारी है। ओके गाइस, तो जुजैना मैडम आई है, अपना फोन घर पे छोड़ के जाती जी, अब बहुत ज्यादा ठंड लग रही है और अपना फोन मांग रही है। ये लो जैना, तेरा कवर कितना प्यार। ओह माय गॉड, वाकई में इतनी ठंड लग रही है। स्कूल में काम पर आता, पेपर भी नहीं किया जा रहा था। मैं पहले ही सबको ये कह रही हूँ, सर्दियाँ आ गई हैं, कोई काम करने का दिल नहीं करता और ठंड उल्टा एक्स्ट्रा लगती है। चलो कोई बात नहीं, छोड़ो 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 छोड़ो, और पता है आधा घंटा लगता है बिस्तर को गर्म करने में, है ना, इंशाल्लाह हो जाएगा। हाँ मैं तो तुम्हें कह रही हूँ बाहर आ जाओ, हीटर पे बैठ जाओ। तो भाई ऐसे नाश्ते की बात की तो मेरी अम्मा ने बनाई है स्पेशल होममेड, घर की बनी एक ही बात होती है, खीर। और मेरी अम्मा की खीर का मुकाबला टू बी वेरी ऑनेस्ट, जैसे साग नहीं कोई कर सकता ना ऐसे खीर भी नहीं कोई कर सकता, और इतनी यमी है। तो मैंने सोचा यार ब्रेकफास्ट में यही खा लेते हैं और टाइम की भी बचत हो जाएगी, वैसे मेरे बड़ा ऑफिस जाना भी, सो ये खाते हैं। ओके गाइस, तो हम इसमें अपने हसबे भूख डाल रहे हैं। It is too good. तो गाइस यहाँ पे बना रही है मेरी अम्मा पराठे विदाउट फटे हुए, भी आपने रिकॉर्ड तोड़ ही दिया अपना, ठीक है। और यहाँ पे बना रही है चाय, सर्दियों में चाय इज सो यम्मी थिंग। और पी गई है, मेरा कोई पराठा नहीं फटा। ये मतलब खुश होना चाहिए कि नाराज होना चाहिए इस बात पे कि पराठा नहीं फटा है। नहीं फटा है, फटे पराठे में कोई राज है। अच्छा, मेरा और आपी का कोई कनेक्शन है। मम्मा देख लें, ये वाला पराठा कहीं से भी नहीं फटा, ये सारे पराठे। जब तेरा फटना शुरू हो जाएगा ना तो तेरी भी यहाँ ला के जोड़ लिए मम्मा, मेरा पार्सल आया सूटकेसेस का, तो वो बता दे रखने किधर है। सूटकेस ऊपर रखवा दे। अरे नहीं वो ज्यादा है ना, तो मुझे बता दे रखूं किधर, कहाँ ताए मम्मा बताए ना ये सारे किधर रखूं। तुमने कहा सूटकेस आया है, मैंने कहा सूटकेसेस आए हैं, नहीं मैंने कहा सूटकेसेस आए हैं, अब बता दे। तुमने कहा आया है तो एक हो गया सूटकेस, दो हो गए, तीन। यार मम्मा मैंने अभी शिफ्टिंग करनी थी ना तो मैंने इसीलिए मंगवाया, मुझे बता दे किधर रखूं ये। मैं बस हमको जैसे ढोल बजाना है इनका,
अम्मा ढोल की बात नहीं है, बता दे अब रखूं किधर, अब आए हैं तो इतने रखने क्यों है, कोई जगह नहीं है मेरे घर में रखने के लिए। पहले इतना मम्मा आगे मैं क्या करूं, ऊपर इतना भी सामान पड़ा है, अप्पी का भी गया नहीं है और ऊपर से तेरी गया। अरे तो उसी के लिए लेके आई हूँ ना, अप्पी का सामान रखवाना है इसमें काफी ज्यादा, तो मैंने कहा अच्छा नहीं लगता अभी। अप्पी के जो अपने बैग वो लेके गई है ना वो वापस लाएगी, उसी में डाल देंगे उसको। तो तब तक मैं अपना सामान कहाँ रखूँ, इतना ज्यादा था तो मैंने इसलिए मंगवाया। और टू बी वेरी सामान नहीं, मुझे पागल कर नहीं बात बताऊं, पता है मेरे साथ क्या हुआ, मुझे नहीं पता था कि एक सूट के इसके अंदर ना तीन सेट होते हैं उसके, तो वो इसीलिए ज्यादा बन गए। मैं क्या करूं, दिमाग का इलाज कराऊंगी, मैं तो नहीं रखने लगी कहीं भी, तेरे कमरे में जाएंगी और तू उधर ही जोड़ेगी। फातिमा हेल्प मी, तुमने सारा मेरा कल सामान निकाला ना, रख दो फातिमा का भी खाली पड़ा है। हां ये सही है, तुम्हारे कमरे में रख दूं। हाँ, देखो तो इतने प्यारे बैग्स हैं मम्मा, इतने प्यारे, आप देख के मुंह में पानी आ रहा है, देखे तो सही सार। पद्मा इनमें से कुछ तुम ले लो, मुझे क्यों चाहिए, मैंने कहाँ जाना, ले लो वैसे। नहीं, I don't need. क्या इतने ज्यादा बैग, आर यू मैड हीरा यार, मुझे सीरियसली ब्रो कह रही है, मुझे पता नहीं चला एक के अंदर तीन थे, मैंने तीन मंगवाए और अंदर इतने। मेरी बात सुनो, जब कहीं जाना होता बैग नहीं मिलता, टूटे हुए बैग होते हैं कि नहीं होते हैं, तो बिल्कुल नहीं, आप सेल लगा दिए कहीं जा रहे होते हैं तो यार पागल सेव रख लेंगे ना, फिर किसी काम आ जाएंगे। पता ना हमारा घर छोटा है, हम गरीब है, कुछ नहीं होता मम्मा, अब बता दे इतने ज्यादा कार को ले लो, ये इसमें रेड वाला सबसे प्यारा है। किसको आप में से किस किस को ये बैग चाहिए, गवर्नमेंट में टाइप कर दिया, दे दिया। अच्छा मैंने इतने, चलिए ठीक है कर दूंगी आपको गिव अवे, लेकिन मम्मा पहले तब तक के लिए तो रखने के लिए बता देना, ज्यादा आगे तो क्या करूं मैं। तो इस पे डाल को एक के ऊपर एक रख लो, जिस तरह निकले उस तरह सारा पैक करो ना, बिन टैचीज में सारा सामान पैक करो, साइड पे रख दो। साइड में कहाँ रखूँ मम्मा, प्लीज ऊपर थर्ड पोर्शन पे रखवा दूँ। आप इसको सिंपल क्या सच में मम्मा, मैंने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये इतने ज्यादा हो जाएंगे, सच में रख दे मार मैनू तमाशा फड़ा, एक तो पैसे करो दूजा घर गंद ही पाओ, नहीं मुझे एक बार बता दे, भालू को वाइट स्ट्रेचर पे किसने लटाया, वो ऐसे लग रहा है उसको फ्लू हुआ और किसी ने ना बाहर गायब किया हुआ, बाहर पड़ा हुआ और इतना ठंडा, मैंने हाथ लगाया ऐसे बर्फ पानी सा अजीब सा, मैंने हाथ पीछे कर लिया। ये सूटकेसेस छोड़े, हम आपको अपना भालू की वे कर रहे हैं, आई प्लीज मम्मा थोड़ी सी हेल्प करा दें, थोड़ा सा प्लीज। फातिमा अच्छी बहन नहीं, तुमने मुझे निकाला नहीं घर से बाहर, मेरे साथ साथ तुमने हेल्प की थी सामान पैक, पता है मैं इधर देख रही थी सामान में, पहले आप ही के सूट कैसे इसके बैग पड़े हुए जो भी वो लेके गई, बंद कर मम्मा का थोड़ा सा गुस्सा शांत कर लूँ, ठीक है, और फिर बताती हूँ कि मम्मा ने मुझे मेरी प्यारी नन्ने ने ये बैग मुझे कहाँ रखने देंगी, ठीक है, बस मेरे कमरे में नहीं रखवाइएगा प्लीज मम्मा, प्लीज मम्मा प्लीज, मेरी बड़ी हाल में सजा दो, अच्छी मम्मी है ना, जो मेहमान आए उसको ये लीजिए आपके लिए, चाय के साथ एक एक सूट कैसे ये लें, है कि नहीं है। राबे आ चुकी है और उसको नहीं पता है ये सब सरप्राइज उसके लिए खड़ा हुआ है, दरवाजे नहीं खुल रहा है यार, मुझे समझ नहीं आ रही है मैं इनको ऊपर लेके कैसे जाऊँ वन बाय वन। जी मम्मा यार ये मैं कैसे लेके जाऊँ ऊपर, राबे मुझे तो नहीं सरप्राइज देने लग पड़ी, राबिया क्या कबाड़िया बनाया मैं घर को यार, यार राबिया तुम्हें मेरा थैंक यू करना चाहिए, मैं इतने ज्यादा बैग मंगवाए सबके लिए, यार ये भी पता नहीं मम्मा सफाई कर रही है सारा गंद बाहर फेंक दिया, कबाड़ी बनाया है, और तुम्हें पता है ये वाले बैग्स मेरे, ये मम्मा ने जान के बीच में ऐड कर दिए ताकि हीरा को डांट पड़े, कचरा मंडी खोली गई था यार से क्यों ही सेल लगी बैग्स की सेल लगी, दस दस रुपए इतने बैग्स का, यार मैंने मंगवाया एक था ये ऐसा बैग, ठीक है, अब मुझे नहीं पता था इसके अंदर तीन का सेट आता है, ये भी मैंने फिर ऑप्शंस मंगवाई ना, मैंने एक ये मंगवाया, एक छोटे में मंगवाया, एक बड़े में मंगवाया, इतने क्यों बैग्स मंगवाए। अरे ऐसे ही मैंने शिफ्टिंग नहीं करनी थी तो अपने कपड़े इसमें डालने थे, आपके के भी डालने थे, तो वो मैंने ज्यादा मंगवाया तो वो कुछ ज्यादा ही हो गया, अब इनको ऊपर लेके जाना है, ज्यादा नहीं ये कुछ ही ज्यादा है, बहुत
ज्यादा नहीं, बहुत ज्यादा है। घर में सारा सामान उठा के बैग भी हर जगह जोड़ दो। ये अपनी माँ की जुबान बोल रही है, बेटी अपनी माँ की जुबान बोल रही है। बाहर पाँव रखने की जगह नहीं है। सारा गंद का इल्जाम मेरे प्यारा, जो बाहर आपने मम्मा ने भी फैलाया ना। बड़ी चला अच्छा, मम्मा मेरी ऊपर रखने में हेल्प भी नहीं करा रही कि पापा आएंगे देखेंगे डांटेंगे फिर हीरा को पता चलेगा फिर मैं इसके कुछ करूँगी। ओके गाइस, तो मेरे अब्बा जानी जो है वो आ चुके हैं और वो भी देख के हैरान है। मैंने बैग्स मंगवाए थे, मम्मा हैप्पी हैं इस चीज को लेके। अब बताइए रखने किधर है? मेरे सामने मेरे कमरे में। आपको चाहिए ये? अच्छा, आपको हैरानी नहीं इतने ज्यादा बैग? गलती से हम आ गए। नहीं मतलब मैंने मंगवाया था एक इस तरह का, उसके अंदर तीन सेट थे, वो मुझे नहीं पता, तो इस तरह काफी ज्यादा आ गए हैं सेट सेट करके। हाँ ऐसा हो सकता है, मुझे गुजरे से भी यहीं जोड़ देने। नहीं नहीं ऊपर लेके जाने, मुझे समझ नहीं आ रही रखूं किधर। मामा कहीं थी पहले तेरे पापा तो डांट पवाऊंगी फिर रखवाऊंगी। इसीलिए मैंने साथ में, वैसे पापा ने मुझे गाइस डांटा नहीं है, जो था मामा ने डांटा है ना। तो फिर अब हम ये सारे बैग पापा के रूम में रखेंगे जाके। कुछ ना कुछ जुगाड़ लगाते हैं, ठीक है? जुगाड़ लगाना जरूरी है, वरना खलारा है ये। बहुत बड़ा खलारा है गाइस, प्लीज हेल्प मी। सो अब हम लोग इसको समेटते हैं, ठीक है? घर के हर एक फर्ज से डांट खाने के बाद अब हीरा इनको समेटने जा रही है, ठीक है? और गाइस मेरी अम्मा को जब देखो किचन में हमारे लिए ताजा ताजा खाना बना रही होती है। अभी आज क्या बन रहा है? आज बन रहा है आलू गोभी, विच इज माई फेवरेट इन सब्जी। सब्जियों में मेरी फेवरेट आलू गोभी है और दालों में मेरी फेवरेट माश की दाल है। आपने भी कमेंट में बताना कि आपकी क्या फेवरेट है। और या यम्मी, नो बड़ी बट ब्राउन पेरेंट्स डांटने के बाद अब चेक कर रहे हैं कि मैं कड़ा लवा बिचों है। अब देख रहे हैं। वैसे एक बात बताए, क्वालिटी अच्छी है कि नहीं इनकी? मेरी चॉइस अच्छी है ना? इनमें से सबसे मेरा जो फेवरेट कलर है ना वो रेड है। यस, इसमें से गोल्डन। और मैंने आपको गाइस एक बात तो बताई नहीं है, इस बैग में ना मम्मा ने कपड़े फिल भी करके रख लिए अपने सारे, जो मेरे एक्स्ट्रा पड़े थे मैंने। नहीं, जो इतनी डांटी आपने मुझे कपड़े रखते हुए, एक दफा भी आपको मेरा ख्याल नहीं आया और बैग उठा लिया। सबसे बड़ा सबसे प्यारा वाला जो मेरा फेवरेट था। ओके गाइस, तो फाइनली ये सारे बैग एक जगह पे रखने के बाद, बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी तो देख सकते हैं कि हीरा ने जैकेट भी पहन ली है, मफलर भी ले लिया है, बिकॉज मुझे पता नहीं क्यों इस समय यार कुछ एक्स्ट्रा ही सर्दियाँ पड़ी और मुझे ना यहाँ तो किसी की आवाज़ें आ रही, किसी छोटे बच्चे की पढ़ने की। तो देखते हैं कि बच्चा पढ़ रहा है कि क्या कर रहा है। देखना सर, हमारे कमरे में जाके बैठ गई है, इधर गई। सीरियसली माय गॉड, नहीं तुम इतना बड़ा बेड छोड़ के उसका यहाँ बैठ के पढ़ने बैठी हुई हो? यहाँ पे था तो, यहाँ पे था तो बंद हुआ, तो इतना माहौल बना के। वैसे तुम्हारे कमरे में यहाँ पे गर्मी नहीं लग रही, सर्दी नहीं लग रही है? मैं मोटा कोटा पहन के आई हूँ, तो जितनी मुझे ठंड लग रही है ना, मैं मेरा दिल करे इसके ऊपर एक और पहन लूं। देखो क्या रियलिटी चेक, नीचे भी जींस पहनी है। हां, और ये तुम पढ़ रही हो ज़ैनब जी? लैपटॉप किसका है? पापा को चोरी करके लैपटॉप ना ऊपर बैठ के पढ़ रही है। और क्या उसे कहते हैं, इस कमरे पे कब्जा जमाने की क्या जरूरत है तुम्हें? मेरा कमरा है, समझ नहीं क्या 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 मेरा कान खराब हो गया। क्या कहा है? क्या माने वो वाला कमरा किसका कहा? क्या मेरा कान दर्द हो रहा है? क्या सुनाई नहीं दिया मुझे? ज़ैनब वो मुझे विरासत में मिला है। एकदम दो किसका? अब किसका हो? मुझे बड़ी बहन का कमरा छोटी बहन को ऑटोमेटिकली चला जाता है। मेरा मेरा फातिमा का, फातिमा का, फातिमा का आधा मेरा, वो ही सही मेरा, वो मेरा। और क्या क्या वो ये मेरे वाले ड्रॉस तुम्हारे हो गए एकदम से? ये वाले ज़ैनब उठो इधर से, बाहर बाहर। ये मेरा नहीं मतलब था, मेरा था और ये सारा फातिमा का है बेटा, समझ आई है? और ये विरासत में मुझे मिला वो वाला रूम, तो वो हाँ ये ड्रॉर भी खाली है, तो क्या करूँ? तो दर्द होना शुरू होगी इस पूरी साइड में, मुझे कानों के अंदर भी बहुत बुरी दर्द हो रही है। ये मेरा रूम है, समझ आई है? मेरे रूम से बाहर जा सकती हैं आप, दरवाजा ये खड़ा हुआ है। सीरियसली निकाल के दिखाओ मुझे, मुर्तियां भी लेने का। आप
लोग मुझे कमेंट में बता दें कि बहनें जो है आपकी किन किन चीज़ों पे लड़ती हैं, भाई मेरे कपड़े, मेरी जूती, मेरा मेरा रूम, मेरी बुक्स, मेरी पेंसिल, क्योंकि मेरी लड़ाई तो जो सबसे ज़्यादा थी ना इन चीज़ों पे होती थी फातिमा से, आपकी की लड़ाई होती थी सबसे ज़्यादा फातिमा से, और जैनब की लड़ाई सबसे ज़्यादा होती थी राबिया से, अभी भी होती है, ठीक है। तो भाई ये चीज़ें हैं, बहनें आपस में लड़ती रहती हैं। आपने कमेंट में बताना है कि आपकी किस बहन से, किस तरह की या भाई से किस टाइप की लड़ाई होती है और किस बात पे होती है। ओके गाइस, तो देखते हैं मम्मा ने अब क्या बनाया है नीचे। मम्मा जी खाने में क्या है दे कुछ। ये पहले बताए ये क्या बाजार खोल के बैठी है, सर्दियों के कपड़े रख रही है और गर्मियों के निकाल रहे हैं। अच्छा, इतनी ठंड लग रहा है, सोच रही थी कहाँ गया आपको मिले हैं, जाके ऊपर छापर पड़ा हुआ है। अच्छा, मुझे खाने को तो कुछ दे दे मम्मा, कुछ और खा लो फ्रिज में, कुछ पड़ा खा। वैसे आपको पता है इस टाइम पे मुझे लग रहा है गैस भी चली गई है, चली गई। मैंने कुछ नहीं खाना इतना उतना, आपने जितना मुझे डांटा है ना, आपको चाहिए मुझे ज़्यादा खाना खिलाए, ज़्यादा प्यार करे। जी अभी हम लोग अंदर जा रहे हैं और यहाँ पे मैडम, अब तुम्हें जब देखो तुम सोई भी पाई जाती हो। वाई ब्रो वाई, देखनी चाहिए यार, अगर अच्छी बहन हो तो पानी तो पिला दो। चलो मैं अच्छा, मैं अच्छी बहन हेल्थ अच्छी अभी ने कोट पता है कौन सा पहना है, वो जो स्कूल में नहीं कोट होते थे सर्दियों के बच्चों के। हाँ, अरे क्या एंगल ले रही हो, व्हाटएवर। मैंने अभी ऊपर बता के आई कॉमेंट के लोगों को कि हम लोग की सबसे ज्यादा, मेरी सबसे ज्यादा ना छोटे होते पेंसिल पे शूज पे लड़ाई होती थी फातिमा से। तुम्हारी किससे होती थी? मेरी ज़ैनब से अभी भी बहुत ज्यादा, कमरे में ऐसे कंबल यूं क्यों किया। इन दोनों के तो अभी भी कुत्तों वाली लड़ाई होती है। हमारी लड़ाई हुई है किस बात पे? ऐसे मैं लेटी थी, हाँ, इधर ज़ैनब भाई से मेरे ऊपर से ऐसे जो ब्लैंकेट था, मेरी पूरी गर्माइश छीन ली, मैं बोली आगस करती नहीं कौन ऐसे फेंक के बाहर चली गई, फिर अपना अलग कंबल लेके इसमें सोई थी। मम्मा इतना बोली ये लोग ना टाइम नहीं देखती कि कब लड़ रहे हैं, नहीं देखती है कि हम लोग घर में हैं या बाहर हैं। इन्होंने इतनी लड़ाइयां बाहर जाके भी की हुई हैं, एक दूसरे की आंखों से आंसू निकाले हुए, एक दूसरे का बाल नोचे हुए हैं बाहर जाके भी। लेकिन कहते हैं जो सबसे ज्यादा जिससे आप लड़ते हो, और ज़ैनब ने इसी कारण पर कमरा शिफ्ट कर लिया ऊपर फातिमा के ऊपर बैठी हुई, मैं ब्लॉग में लेके आई उसे जमीन पे बैठी, और मेरे जो मेरे साइड टेबल के ड्रॉअर थे कहती हिराफी मेरे साइड टेबल के ड्रॉअर में देखना कुछ पड़ा तो नहीं, मैं मेरा मतलब अपना कमरा उसने बना लिया साथ वाला। हाँ, फातिमा का तो ठीक है कि साइड टेबल है, साइड टेबल का ड्रॉअर वो कह भी सकती, ज़ैनब क्यों कह रही है, उसको किसने रूम दिया है? यहाँ से अपना सारा सामान भी ले गई है। हाँ, अच्छा मैं आपके साथ एक गेम खेलती हूँ, ठीक है? क्या आप में जो भी कहना है झूठ कहना है, ठीक है? आपको अपना आप कैसा लगता है? गंदा। क्या आप सब बहनों में सबसे प्यारी कौन है? नहीं फिर ज़ैनब नहीं प्यारी है वो यार, सारी बहनों में से सबसे प्यारी कौन है? हीरा। अच्छा, और आपकी कितनी मम्मा है? बोलो। मेरी एक माँ है, अम्मा हव्वा। यार एक मिनट, आप ही आपकी मम्मा है? बोलो। वो सभी की माँ है। आप ही आपकी मम्मा है? हाँ या ना? सभी की माँ है। हाँ या ना बोलो। हाँ या ना का आंसर ही नहीं हुआ। क्या आपका आंसर देने? क्या आप सबसे बदतमीज लड़की हो? हाँ। क्या आप लोगों के घरों से चोरियां करती हो? हाँ। अब ये वाला पार्ट काट देना कि झूठ वाला बाकी सारा लगा दो। बताती हूँ अच्छी तरह, खबरदार बेटा। ये मैंने ना एक लड़के की वीडियो देखी, वो अपने दोस्त को कहता है बता तू तेरे कितने पापा, कहते हैं मेरे चार पापा, तू एक नंबर का वो है, कहता हाँ मैं एक नंबर का हूँ, कहता अब ये वाला पार्ट काट दूंगा झूठ बोल रहा। लेकिन नहीं, आपने ये नहीं काटा, इसे मेरे साथ प्रैंक किया। लोगों तुम लोग एडिट पकड़ के लगा देना, हीरा बोल रही है नहीं चुप, ये काट देना जो इसने बोला, ये काट देना। और अभी रावे से मेरी लड़ाई हो जानी है इस बात पे, वरना मैंने इसका तो वही हमारी यहाँ पे चल रही है 1 AM वाली। आपने एक वीडियो देखी है अमिताभ बच्चन की? तुम्हारी एज है अमिताभ बच्चन? मेरी बात ना सुनो, वो ना रणवीर सिंह ना ऊपर बलून पे होता है और ऐसे एक इशारा कर रहा होता है, अमिताभ बच्चन उसका जवाब दे रहा था, पीछे देखते दीपिका कर रही कहता उम्र में तो अब तुम्हारे बाप ने अमिताभ बच्चन को कह रहा है, वो भी ना आगे से कह रहा पीछे देखता कहता ऊपर लिखा हुआ अमिताभ भाई अगर मैं होता तो मैं ना सहता ही।
उम्र में तो अमिता रफे वैसे तुम एक मिनट यहाँ पे हम कुछ और टॉक कर रहे हैं बीच में अमिताभ बच्चन दीपिका और ये सब क्या लेने हैं चार लेने हैं जोक क्या जोक सुना है ना इससे हाथ थक गया तुम्हारी बोगियां रिकॉर्ड कर करके सच चलो बाय Chalo bye guys, chalo bye. So if you like this video, don't forget to like, comment, subscribe and share. Plus don't forget to click the bell icon. I will be right back with another video.